अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह का शुक्र है मेरे रोज़े भी अच्छे गुजर रहे हैं। और अभी मैं आई थी ऊपर छत पे, मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें अभी पौधों पे भी पत्तियाँ निकल आई हैं, ये देखें ग्रीनरी हो रही है। वो ऊपर मेरे पौधे जो जो लगाए थे अभी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊँ। जो मैंने उस दिन पौधे लगाए थे मिर्चियों के, मिर्ची के, और फिर कुछ बीज लगाए थे, वो भी अभी निकल आए हैं। उनके पौधे भी छोटे छोटे, तो मैंने कहा बहुत दिनों बाद मैं खुद भी आई हूँ, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँगी। आज अभी दिखा के फिर मैंने जाके नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ूँगी। अभी मैंने 6 पारे ही पढ़े, तो इंशाल्लाह 27 रमज़ान तक मैं कहती हूँ कुरान पाक पूरा ख़त्म हो जाए। तो अभी ना ये देखिए, ये मैंने उस दिन ये लेमन ग्रास मेरी बहन ने पिंडी से लाया था, वो भी इसमें लगाया है। वो उस टोकरी में, उस बास्केट में लगाएंगे, लेकिन अभी उसमें मट्टी नहीं डाली हुई, तो ये उसमें सारे ये शिफ्ट करेंगे। तो ये देखें ये पौधे हो रहे हैं, ये देखें ये नीचे भी लगाए थे कुछ। ये देखें जी मैंने मिर्चियों के बीज लगाए थे, ये हो गए। ये देखें ये भी उसमें भी कुछ हो रहे हैं, टमाटर वगैरह लगाए थे इसमें भी आस्ते आस्ते हो रहे हैं। तो ये भी निकल आए मिर्चियों के पौधे। अपने जब बीज लगाते हैं बंदा मिर्ची के पौधे निकल आते हैं, या मिर्चियाँ या कोई भी चीज़ को कितना अच्छा लगता है। ये देखिए ये भी, ये मैंने उससे मिर्चियाँ लगाई थी, ये देखिए ये सारी हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये तो अभी बास्केट नहीं मिल रही थी, इधर पूरे पे मैंने लगानी है लेकिन बास्केट नहीं मिल रही। अभी मैंने भिंडी लगानी है तो उसके लिए अभी बास्केट, ये एक बास्केट है इसमें शायद भिंडी लगा दूँ, तो बाकी और सब्जियाँ भी लगानी है लेकिन बास्केट ही नहीं मिल रही हैं अभी। इंशाल्लाह बास्केट का पूछूंगी और जैसी बास्केट्स मिलेंगी तो मैं और भी पौधे उनमें लगाती जाऊंगी। तो ये देखें ये भी, ये देखें सारा मज़े का खूबसूरत लग रहा है ना ये व्यू। अभी अभी ग्रीनरी हो जाएंगी ना, अभी चीज़ें आस्ते आस्ते ग्रीन हो रही हैं, फिर आपको देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ। बड़ा बड़ा खूबसूरत लगता है जब ग्रीन होता है ये। वो देखिए वो नीचे खुबानी के पौधों पे फूल आए हुए हैं, ये पाइप आगे आ गए, तो मैं पास से किसी दिन दिखाऊंगी जब बिल्कुल फुल उन पे फूल वगैरह आ जाएंगी, पत्तियाँ आ जाएंगी। ये देखें ये भी, ये इधर लकड़ियाँ शकड़ियाँ ये ऐसे ऊपर रफा चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं, वो घर शर सारा कुछ। तो इंशाल्लाह मैं आज अफ्तारी पे जाऊंगी, वो भी उधर भी वीडियो दिखा शेयर करूंगी आपके साथ, जो चीज़ें भी होंगी कुछ ना कुछ आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो बस अभी जाके नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, अभी 2 बज गए हैं। तो इंशाल्लाह नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद में उधर भी जाना है, तो कुछ आपके साथ फिर शेयर भी करूँगी जो जो चीज़ें होंगी। नान बेचारे का यही है कि उसको बिल्कुल दिल नहीं करता था जाने को, उसको ज़बरदस्ती रुलाते हुए ले गए थे, तो उस बेचारे को रुलाते हुए ले गए। वो क्लिप मैं अपनी वीडियो में डालूंगी किसी दिन, देखिएगा कि कैसे रोता हुआ गया है बेचारा गाड़ी में, उसको उन्होंने ना रुलाते हुए ले गए हैं। तो वो बेचारा दुआ करिएगा अल्लाह उसके लिए अच्छा करे। तो अपने घर में बच्चा रहे तो अपने घर में वो पले बेचारा, ऐसे ही लोगों के घर में लोग उसको क्या खिलाएँगे, क्या पिलाएँगे, क्या रखेंगे उसको। तो अपने स्कूल में अपने पढ़ेगा, दुआ करिएगा अफनान के लिए बेचारे। माओं को अक्ल नहीं होती ना, जिन माओं को, तो वो उसी तरह अपने बच्चों को इधर उधर रुलाती हैं, उनका फ्यूचर ख़राब करती हैं। जो समझदार माएँ होती हैं ना, तो उनको प्रॉब्लम भी आ जाए ना, तो कभी वो अपने बच्चों का फ्यूचर देखती हैं। हमारी बहनें हैं सब अपने अपने घरों में रह रही हैं अपने बच्चों के साथ, हर मतलब अच्छा उसमें ये इस कुड़ी, ये जो थी अफनान की माँ, पूरा घर नीचे अकेली बस अम्मी और वो लाजम भी रखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। पता नहीं अक्सर लोग होते हैं, मुझे लगता है पता नहीं क्या उनमें होता है, अपना घर अपने हाथों से बर्बाद करते हैं, कोई उनको रहने का कुछ नहीं वो होता, खुद ही वो करते हैं। तो मैं तो कहती हूँ जो मेरी वीडियो देखती हैं जो भी लड़कियाँ जो भी कोई, तो काइंडली जिस घर में आप जाते हो उस घर को अपना घर समझो, अपने बच्चों के फ्यूचर का देखो। ये चीज़ें ना करो कि इधर कुछ अजीब सी दिमागों में जो औरतें एक दूसरे के पास जाके सर जोड़ के बैठती है ना, तो एक दूसरे को पट्टियाँ पढ़ाती हैं, वो चीज़ें ख़त्म, वो चीज़ें आप लोग नहीं करना। मेरी वीडियो से सीखना कि अपने घर को अपना घर समझो, अपने बच्चों के फ्यूचर को देखो, जिन को घर में कोई मसला है वो मसला आप सॉल्व करो आपस में,
ना कि उसको पूरे मोहल्ले में, पूरे बाजारों में, हर जगह ले जाओ। अपना जो प्रॉब्लम हो ना, घर के हद तक ही रहे तो, चार दीवारी में ही रहे ना, तो वो सॉल्व भी हो जाता है। जो जब कोई प्रॉब्लम हो ना, घर से बाहर निकल जाए ना, तो वो और बिगड़ जाता है, वो कभी सही नहीं होता। क्योंकि जितने दिमाग लड़ते हैं उतनी अपनी राय देते हैं, और कभी कोई चाहता नहीं होता कि घर बसे किसी का। थर्ड पार्टी को कभी अपने रिलेशन में नहीं आने देना चाहिए, हमेशा आपस में घर का मसला घर में ही सॉल्व करना चाहिए। तो मेरी छोटी बच्चियों से ये भी है, बच्चे बच्चियों से सबसे, कि ये रमज़ान जो है, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि कुरान पाक आपका ख़त्म हो, इबादत करो, नमाज़ पढ़ो, बाद में भी करो, लेकिन रमज़ान में भी तो स्पेशली, इसमें भी तो पढ़ो। मैंने आज भी अपनी जो मेरी सिस्टर की बेटियां हैं, मेरी भांजी हैं, उनको भी मैंने बोला है, मैंने कहा आप लोग टैब वगैरह छोड़ दो, आज से मामा के को दे दो, मामा लॉकर में रख देगी, और मुझसे प्रॉमिस करो कि 27 रमज़ान को तुम लोग अपना अपना आप लोग कुरान पाक फिनिश करोगे, और फिर मैं आपको इनाम भी दूंगी, और ये भी होगा कि आप लोग ना उस दिन, हम अफ्तारी इधर करवाऊंगी मैं आप लोगों को, और इनाम भी दूंगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे, बच्चियों को, जब बच्चों को, छोटे बच्चों को आप समझाओ ना, बच्चे हर चीज़ समझ जाते हैं, सिर्फ उन्हें ना समझ होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती। अगर आप कोई अच्छी सी बात उन्हें बताओ तो वो उस पर अमल करते हैं। तो इंशाल्लाह, वो भी कह रही थी, प्रॉमिस किया उन्होंने मुझसे, छोटी बच्चियाँ जो अक्सर आती रहती है मेरी सिस्टर की, हमारी बच्चे हैं, छोटे छोटी बच्चियाँ हैं, तो इंशाल्लाह उनको मैंने बोला है इंशाल्लाह वो जब कुरान पाक ख़त्म कर लेंगी, फिर इधर अफ्तारी पे बुलाऊंगी, आप लोगों को भी बताऊंगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा, सब कुछ अच्छा होगा। अल्लाह हर एक के लिए अच्छा करे, हर एक की मुसीबत परेशानियों को दूर करे। अल्लाह हमारी भी सबकी, हर इंसान को, इस दुनिया में बंदा आया होता है कुछ टाइम के लिए, मैं कहती हूँ जो टाइम भी गुजरता है हंसी खुशी गुजार ले, क्या एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं लोग, लोगों को पता नहीं कैसे माइंड होते हैं। मैं सोचती हूँ कि एक दूसरे के साथ अच्छा सोचो, पॉजिटिव, जब किसी के लिए पॉजिटिव सोचोगे अल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा करेगा। हमारी भाभी, हमने उसके लिए अच्छा सोचते रहे, अच्छा कहा कि बस वो खुश रहे, वो और भाई खुश रहे, लेकिन उस लड़की को अपना घर बसाने का कोई इरादा नहीं है, या क्या है उसके दिमाग में, क्या घुसा हुआ है, कैसे लोग होते हैं। तो चले, अल्लाह हर एक को हिदायत दे, हम क्या कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब जाऊँगी, जब जो भी वीडियो होगी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जाके नमाज पढ़ती हूँ, लेट हो गई। चूजे ये देखे, छोटे छोटे चूजे ले अफनान को, वो लोग लेके चले गए उसके ननियाल वाले, नहीं तो ये चूजे जो थे अफनान। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अफ्तारी करने सिस्टर के घर, तो बस वापस आके भाई गाड़ी भी निकाल रहे, तो बस हम लोग सब जा रहे हैं, अम्मी हम लोग सब अफ्तारी करने जा रहे हैं। तो अफनान होता वो भी साथ जाता। आज मैं दिखाऊंगी कि अफनान के माँ के घर वाले, वो कुछ क्या उसका मामू, तो पता नहीं कौन कौन आया था, तो अफनान को रोते हुए ले गए। अफनान बिल्कुल नहीं जा रहा था, उसको ज़बरदस्ती और रुला ज़बरदस्ती ले गए, रोता हुआ गया। उसको उसकी माँ को एक जगह सुख नहीं है ना, आराम नहीं आता, रास आता है, ऐसी औरतों को कहीं एक जगह नहीं रह सकती टिके। तो अभी होता वो भी जाता, खुश होता, लेकिन खैर अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। वो भाई ने गाड़ी निकाल ली है, तो हम सब लोग जा रहे हैं, वो गाड़ी निकाल ली है भाई ने, तो हम जा रहे हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। ये देखें, ये देखें, ये मज़ेदार पकौड़े।